Hello children, I welcome you all on my channel Kokash Kinzu. आज हम लोग सीखने वाले हैं आपके यूनिट 2 से नंबर 4 मैजिक सीड. ये पोयम मैजिक जादू सीड बीज और मराठी में से कहते हैं बियाणे. ठीक है, इसको कैसे रीड करेंगे, कैसे प्रोनाउंस करेंगे, सीड. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको मेरे सारे वीडियोस मिलते रहेंगे. ओके, सो नंबर 1 सेज लुक लिसन सिंग एंड एक्ट. लुक देखो, लिसन सुनो, सिंग गाओ एंड एक्ट. एक्ट मतलब आपको आपके हाथों से, चेहरे से, हाथ पैर से एक्शन करना है. ठीक है, एक्शन एक्ट. So let me read it first for all of you all children and then I will explain it to you. I found a tiny little seed and planted it outside. Almost at once it started to grow up tall and wide. It sprouted leaves from everywhere and soon became quite big. I'm not sure what it is yet, apples, peas or figs. No matter how it turns out, I know that it will be my own completely special something or other tree. So ye hai poem humne reading kiya hai. अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन. आई फाउंड अ टाइनी लिटिल सीड. आई फाउंड, फाउंड मिला, अ टाइनी एक छोटा सा, लिटिल सीड छोटा सा सीड मिला, बीज मिला. एंड प्लांटेड इट आउटसाइड. प्लांटेड मतलब उसने जमीन में उसको बो दिया, मतलब थोड़ा सा छोटा सा खड्डा करके उसमें सीड डाला और उसके ऊपर से थोड़ा सा मट्टी डाल दिया. कहाँ पे किया, आउटसाइड मतलब घर के बाहर उसने ये प्लांट किया. ऑलमोस्ट एट वंस इट स्टार्टेड, एकदम से एक बार क्या हुआ, टू ग्रो अप टॉल एंड वाइड. वो टॉल मतलब लंबा, वाइड मतलब चौड़ा, मतलब मोटा होने लगा. कैसे हुआ था ये सब अभी वो बताएंगे, राइट. इट स्प्राउटेड लीव्स फ्रॉम एवरीवेयर. स्प्राउटेड का एक्चुअल मतलब होता है अंकुरित होना, मतलब शूट्स निकलना. प्लांट्स के जो लीव और वो सब निकलते हैं उसको स्प्राउटेड बोलेंगे. ठीक है, स्प्राउटेड लीव्स, लीव्स पत्ते, फ्रॉम एवरीवेयर हर जगह से पत्ते निकलने लगे. इट स्टार्टेड स्प्राउटिंग लीव्स फ्रॉम एवरीवेयर एंड सून बिकेम क्वाइट बिग. बहुत ही बड़ा हो गया, बहुत जल्दी जल्दी बड़ा होने लगा. सून मतलब जल्दी से वो बड़ा बड़ा होने लगा. आई एम नॉट श्योर दैट इट इज यट. आई और एम, ये दो वर्ड को मिलाकर ये लिखा है एम. ओके, आई यहाँ पे लिखा है, ये जो ए है एम का, जो ए है वो मिसिंग है, नहीं है. उसकी जगह पे ये अपोस्ट्रॉफी ऊपर आपको दिख रहा है कॉमा जैसा ऊपर वाला, उसको अपोस्ट्रॉफी बोलते हैं, वो लगाया है. इसका मतलब यहाँ पे ए मिसिंग है, राइट. आई एम का ए निकाल दिया और ये एम है. तो इसको रीड कैसे करेंगे, एक वर्ड, वन वर्ड जैसा, पहले के साथ आई और ये दूसरा वर्ड है एम. बट यहाँ पे जो लिखा है इसके हिसाब से आपको कैसे पढ़ना पड़ेगा, वन वर्ड जैसे. कैसे पढ़ेंगे, एम. ओके, आई एम नॉट श्योर दैट इट इज यट, मतलब वो जो पोएट है उसको पता नहीं है, वो श्योर नहीं है. श्योर नहीं है मतलब उसको एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये किस चीज का प्लांट है या ट्री है. उसको तो सिर्फ एक सीड मिला था तो उसने उसने सीड को प्लांट कर दिया था. तो उसको ऐसा डाउट है कि वो हो सकता है एप्पल्स, हो सकता है एप्पल्स के झाड़ हो सकता है, या पीस का झाड़ हो सकता है, या प्लांट हो सकता है, और या तो फिग्स, फिग्स का झाड़ हो सकता है. एप्पल आपको पता है, पीस मतलब मटर, मराठी मटर. फिग्स, फिग्स होता है अंजीर. उसको ऐसा लग रहा है कि शायद ये एप्पल, पीस या फिग का भी झाड़ हो सकता है. ओके, नो मैटर हाउ इट टर्न्स आउट, तो
ही इज नॉट वरीड अबाउट कि ये कैसा या कौन सा झाड़ है या प्लांट है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है पोएट को, उसको सिर्फ मजा आ रहा है, खुशी हो रही है कि उसने एक छोटा सा सीड लगाया है और वो बड़ा बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, तो वो कुछ भी निकले, कौन सा भी झाड़ निकले, कौन सा भी प्लांट निकले, ही इज ओके विथ इट। आई नो दैट इट विल बी माई ओन कंप्लीटली स्पेशल। उनको तो ये पता नहीं है कि ये किसका झाड़ है, पर उनको ये पता है कि जो भी झाड़, जो भी पेड़, जो भी ट्री उसमें से निकलेगा वो उसका खुद का होगा। माई ओन, ओन माई ओन मतलब मेरा खुद का, कोई ये नहीं बोलेगा कि ये मेरा है तेरा नहीं, ऐसे नहीं। ये क्या बोलेंगे, ये दिस इज माई ओन ट्री। तो ही इज वेरी हैप्पी अबाउट इट, इज कम्प्लीटली स्पेशल। उनको बहुत स्पेशल स्पेशल लग रहा है कि अरे वाह, ये मेरा खुद का पेड़ होगा। जैसे आप कोई टॉय खरीद के लाते हो या कोई चीज खुद से बनाते हो, ग्रीटिंग कार्ड या कोई भी चीज आप खुद बनाओ या लिख रहा हो, तो आप क्या बोलते कि मेरा है, इट्स माइन, है ना, माई ओन। तो वैसे ही यहाँ पे पोएट भी बहुत खुश हो रहा है। समथिंग और अदर ट्री, भले ही वो कोई भी पेड़ हो, आई एम फाइन विद, आई एम वेरी हैप्पी। ओके, यह है एक्सप्लेनेशन इस पोयम का। सो वी विल डू रेसिटेशन। हेलो कोलू, कैसे हो आप? अच्छा लगा आपको देखकर, वेलकम। आप कुछ बोलना चाहती हो? हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ, पता है मेरी आंखों में थोड़ा दर्द हो रहा है आजकल। आंखों में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को दिखाया? हाँ, आज आने वाला हूँ। अच्छा ठीक है, हमको बताना आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है? हाँ, मैं बताऊंगा। बच्चों, फिर से वही बोलूंगा कि अभी टीचर हमको रेसिटेशन कराएगी, तो आपको ध्यान से सुनना है जब टीचर बोलती है, ठीक है? जब टीचर बोलती है तो ध्यान से सुनना होता है, और जब टीचर स्टॉप हो जाएगी तो आपको बोलना है, रिपीट करना है, मतलब रीड अलाउड। नहीं, यहाँ पे तो पोयम है तो हमको थोड़ा सिंग करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है? मैं भी करूंगा और आप भी करना, ठीक है? बाय। Let's start with the recitation, children. I found a tiny little seed. I found a tiny little seed And planted it outside. and planted it outside. Almost at once it started Almost at once it started to grow up tall and wide. to grow up tall and wide. It sprouted leaves from everywhere. It sprouted leaves from everywhere. And soon became quite big. And soon became quite big. I'm not sure what it is yet. I'm not sure what it is yet. Apples, peas, or figs. Apples, peas, or figs. No matter how it turns out, No matter how it turns out, I know that it will be I know that it will be my own completely special. my own completely special Something or other tree. something or other tree. वेरी गुड कोलू एंड वेरी गुड चिल्ड्रन। जो भी बच्चे बोल रहे थे वेरी गुड, और जो नहीं बोल रहे थे उनको नेक्स्ट टाइम जरूर बोलना है। ओके, नंबर टू, लुक एंड से, देखो और बोलो। मैजिक, मैजिक, सीड, सीड, साउंड, साउंड, sprouted, sprouted, planted, planted, grow, grow, leaves, leaves, outside, outside, peas, 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 figs, figs, special, special. एवरीवेयर। Everywhere. सो ये जो लास्ट दिया है वो एक गेम है, इट्स
इट्स अ फन गेम गेम जस्ट विस्पर. नाउ विस्पर मीन्स जो हम धीरे धीरे किसी के कान में पस, 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 बोलते हैं ना कि कोई और नहीं सुन ले, उसको बोलते हैं विस्पर. तो ये गेम कैसे खेलेंगे, टीचर विल विस्पर अ वर्ड इन अ चाइल्ड्स ईयर एंड आस्क हिम हर टू विस्पर इन अनदर चाइल्ड्स ईयर. दिस वर्ड विल बी पास्ड ऑन इनटू ईच एंड एवरी चाइल्ड्स ईयर वन बाय वन. द लास्ट चाइल्ड विल से दैट वर्ड अलाउड. मतलब ये गेम में कैसा होगा, अगर आपकी टीचर है तो आपकी टीचर या तो आप खुद भी आप गेम खेल सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ. एक लाइन में खड़े रहना है सारे बच्चों को, और एक पहला बच्चा जो है वो बोलेगा एक बच्चे के कान में एक वर्ड, कोई भी वर्ड हो सकता है, हिंदी मराठी इंग्लिश, आप उसको बोलोगे और वो बच्चा, मतलब आपको कैसे बोलना है, धीरे से बोलना है, विस्पर करना है, चिल्ला के नहीं बोलना है कि किसी और को सुनिए, तो वो बच्चा दूसरे आगे वाले बच्चे को बोलेगा. फिर इस तरह से एक बच्चा, जिसके भी आगे आगे बच्चे हैं वो सब एक दूसरे को बोलते जाएंगे. जब लास्ट बच्चे तक वो वर्ड पहुंचेगा तो वो लास्ट बच्चा क्या करेगा, वो बच्चा जोर से वो वर्ड बोलेगा. और इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है. अगर क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.